आज बात करते हैं जीरे के अंदर अगर बीज कम पड़ जाए तो क्या बुआई संभव है। हाँ जी बिल्कुल संभव है। तो कैसे बुआई कर सकते हैं अगर प्रति हेक्टर है जीरे की बीज की मात्रा है 12 किलो लगती है और अगर हमारे पास सिर्फ 6 किलो ही बीज है तो क्या हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसको कैसे कर सकते हैं देखिए ये आगे। तो आपने देखा इस प्रकार से बीज को कैसे है दो भागों में बांट करके उस बीज की जो मात्रा है वो बढ़ा दी गई है और उस बीज को खेत में बोया गया है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं ये जो पूरी लाइन दिख रही है इसमें वो उसी प्रकार का बीज है जो दो भागों के अंदर बांटा हुआ था और इसके अंदर है नॉर्मल बीज है जो बोया गया है। हालांकि थोड़ा फर्क पड़ रहा है, ये बिल्कुल घने हैं, पंक्तियों के बीच में जगह बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है और इसके अंदर है थोड़ी जगह दिखाई दे रही है, लेकिन बुआई संभव है और बीज है बिल्कुल है बराबर मात्रा के अंदर और बराबर गुणवत्ता के साथ है वो उग जाता है। और अभी उपज प्राप्त होने के बाद पता चल पाएगा कि वास्तव में उपज ही उतनी ही प्राप्त होती है, लेकिन बीज को इस तरह से आधा करके बुआई है बिल्कुल है वो संभव है। तो ये पॉली एम्ब्रियोनिक जो नेसर होता है जैसे धनिया है तो उस प्रकार के बीजों में ये खासियत होती है कि उनको आधा करके भी बीज है बोया जा सकता है और बीज है बिल्कुल है उग जाता है और पौधों में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं पड़ता। तो ये बिल्कुल नॉर्मल बीज है वो उगा हुआ है ये क्यारी और इसमें है बीज को दो भागों में बांट कर फिर उगाया हुआ है तो लगभग समान ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो देखते हैं उपज जो है इसमें कितना का फर्क पड़ता है। ये जो आइडिया है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के माननीय प्रथम कुलपति महोदय डॉक्टर एल एन हर्ष साहब का था, तो आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से एक ही बीज को बांट कर दो बीज बनाए जा सकते हैं और इसकी बुआई बिल्कुल संभव है और पौध संख्या है कायम रखी जा सकती है। ये एक छोटा सा पहल है इस दिशा में अनुसंधान का, लेकिन इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। ऐसी मशीनें भी विकसित की जा सकती है जिससे बीज को आसानी से बिना नुकसान पहुँचावे दो भागों में बांटा जा सके और बीज दर को उसको कम किया जा सके और इसको फील्ड लेवल तक ले जाने में और भी इस टेक्नोलॉजी को रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। ये एक शुरुआत है इस दिशा में और लेकिन इसमें सुधार करने के बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ताकि है ये कैसे है खेत के अंदर है अपनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी।